वेलकम स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर। तो पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर जो होते हैं वो एक्टिव ट्रांसड्यूसर होते हैं, क्योंकि इनके ऑपरेशन के लिए हमें एक्सटर्नल वोल्टेज की ज़रूरत नहीं होती है। ये सेल्फ ही अपना वोल्टेज या इलेक्ट्रोमोटिक फोर्स जनरेट करते हैं, इसलिए इनको अपन एक्टिव ट्रांसड्यूसर की कैटेगरी में डालते हैं। ट्रांसड्यूसर तो आपको पता ही होगा क्या होता है, बेसिक ट्रांसड्यूसर की डेफिनेशन, विच कन्वर्ट द एनी फिजिकल क्वान्टिटी इन टू द अनदर फॉर्म ऑफ द एनर्जी, विच इज़ कॉल्ड वी आर ट्रांसड्यूसर। तो ये इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर है, क्योंकि ये आउटपुट में इलेक्ट्रिकल वोल्टेज देता है। तो पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर को जो है अपन किन किन चीज़ों को मेजर करने में अपन यूज कर सकते हैं, एक्सेलरेशन, प्रेशर, स्ट्रेन और टेम्परेचर। मतलब एक्सेलरेशन अपन मेजर कर सकते हैं पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर से, प्रेशर मेजर कर सकते हैं, स्ट्रेन मेजर कर सकते हैं और टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। तो इनका जो बेसिक प्रिंसिपल है, जो पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर का बेसिक प्रिंसिपल है, वो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे ये डिपेंड करते हैं। तो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है एक स्पेसिफिक मटेरियल का स्पेसिफिक इफेक्ट होता है। मतलब जो कुछ मटेरियल होते हैं स्पेसिफिक, वो ये प्रॉपर्टी पजेस करते हैं और एग्जिबिट करते हैं। जैसे इस प्रॉपर्टी का जो है वो यूज क्या है कि जब इनके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई होता है या फोर्स अप्लाई होता है या स्ट्रेन अप्लाई होता है, तो इनके अंदर जो है इनका जो क्रिस्टल का स्ट्रक्चर होता है, यानी कि इनमें जो इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव होल्स का जो अरेंजमेंट होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और उसके कारण जो है वो वोल्टेज आपका जनरेट होता है। तो ये इसका बेसिक पीजो रेजिस्टिव इसको इफेक्ट कहा जाता है। बेसिक डायग्राम इसका, ये एक तरीके का प्रेशर पॉट होता है। प्रेशर पॉट पे अपन प्रेशर अप्लाई करते हैं, और जब अपन प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो एक फोर्स समिंग मेंबर के थ्रू क्रिस्टल के पास जाती है, यानी कि जो प्रेशर होता है वो सब इकट्ठा होकर के एक रॉड के थ्रू जो है वो क्रिस्टल के पास जाता है। और क्रिस्टल का जो स्ट्रक्चर होता है, जो वो उसमें जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का स्ट्रक्चर होता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है, अनबैलेंस हो जाता है, उसके कारण जो है इसके आउटपुट में जो है आपका वोल्टेज जनरेट होता है। वैसे नेचुरली ये न्यूट्रल होता है क्रिस्टल, नेचुरली इसमें जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो वो होता है, मतलब कि अरेंजमेंट, वो एकदम इक्वल होता है। तो दैट्स व्हाई इसमें कोई चार्ज जो है वो प्रोड्यूस नहीं होता। लेकिन जैसे ही हम इसमें स्ट्रेस अप्लाई करते हैं या तो फोर्स अप्लाई करते हैं, तो इसका जो क्रिस्टल का स्ट्रक्चर होता है वो अनबैलेंस हो जाता है, उसके कारण जो है ये इसमें वोल्टेज आपका प्रोड्यूस होता है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये है कि इसमें ये जो वोल्टेज जनरेट होता है वो डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन, यानी कि अगर आपका क्रिस्टल आपका इस तरीके से लगा हुआ है, क्रिस्टल आपका, क्रिस्टल पे आपने, ये आपका क्रिस्टल है और क्रिस्टल पे आपने जो है वो इस तरह से आपने फोर्स अप्लाई किया है, तो अगर आपका इस डायरेक्शन में प्लस और माइनस, इस डायरेक्शन में अगर आपका वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है, ये आपका क्रिस्टल है, ठीक है, ये क्रिस्टल है, स्पेसिफिक क्रिस्टल, अगर हमने इस डायरेक्शन में फोर्स या स्ट्रेस अप्लाई किया है, तो इस डायरेक्शन में अगर आपकी करंट जनरेट हो रही है, और अगर अपन अपोजिट डायरेक्शन में अगर अपन अप्लाई करेंगे, ये आपका क्रिस्टल है, सपोज ये आपका क्रिस्टल है, तो अगर हम इस डायरेक्शन में अगर हमारा टेंसाइल, मतलब ये कंप्रेसिव है और ये टेंसाइल स्ट्रेस है, तो हमारा जो डायरेक्शन है वो अपोजिट हो जाएगा, आप देख सकते हैं। तो ये डायरेक्शन पे आपका डिपेंड करता है कि, यानी कि इसमें जो चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है, की इज इक्वल्स टू एफ मल्टीप्लाई ऑफ डी, डी इज द सेंसिटिविटी ऑफ द क्रिस्टल, क्रिस्टल की सेंसिटिविटी है, जिसको कि अपन बोलते हैं क्रिस्टल की सेंसिटिविटी हो जाएगी आपकी कूलम बाय न्यूटन। तो दिस इज द सेंसिटिविटी ऑफ द क्वार्ट्ज क्रिस्टल। तो अब इसमें अपन क्वार्ट्ज ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे क्रिस्टल हम इसमें यूज कर सकते हैं, बहुत सारा मटेरियल हम एज ए क्रिस्टल यूज कर सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होना चाहिए, तभी हम उस क्रिस्टल को एज ए पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर यूज कर सकते हैं। कि जैसे कि टेम्परेचर स्टेबिलिटी होना चाहिए, लीनियरिटी होना चाहिए, और इसके अलावा आउटपुट उसका बहुत अच्छा होना चाहिए। तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज होती है, तभी हम उस क्रिस्टल को एज ए पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर हम यूज कर सकते हैं।
हैं और इसका टेम्परेचर सेंसिटिविटी भी आपका कांस्टेंट होना चाहिए, तभी अपन कोई भी क्रिस्टल को एज ए पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल की तरह यूज कर सकते हैं। तो कुछ जो है नेचुरल क्रिस्टल होते हैं और कुछ जो होते हैं मैन मेड यानी कि सिंथेटिक क्रिस्टल होते हैं जिनको भी जो कि पीजोइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी को पजेस करते हैं। तो जैसे कि आपका रोजल्ट सॉल्ट है आपका और क्वार्ट्स है, ये आपके नेचुरली अवेलेबल है। कुछ सिंथेटिक होते हैं जैसे अमोनियम फॉस्फेट, तो इस तरीके से सिंथेटिक क्रिस्टल भी होते हैं और आपके नेचुरल भी होते हैं, लेकिन बेस्ट जो है होता है ना वो आपका क्वार्ट्स होता है, क्योंकि क्वार्ट्स क्वार्ट्स की जो फ्रिक्वेंसी स्टेबिलिटी है और टेम्परेचर स्टेबिलिटी के कारण हम क्वार्ट्स ही सबसे ज़्यादा पॉपुलर होता है एज ए पीजोइलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर। पीजोइलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर का एडवांटेज ये है कि इजी टू हैंडल है, आपका हाई फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स है, एक्सटर्नल आपको सप्लाई नहीं देना है इसके ऑपरेशन के लिए, तो एज ए एक्टिव ट्रांसड्यूसर है, और आउटपुट इनका लो होता है। डिसएडवांटेज इनका ये है कि इनका आउटपुट लो होता है और क्रिस्टल जो है ब्रेक हो सकता है अगर हम इसको ज़्यादा स्ट्रेस दें, तो क्रिस्टल के ब्रेक होने के चांसेस भी होते हैं। तो दैट्स वाई दो इसके डिसएडवांटेज हैं। और सबसे ज़्यादा एडवांटेज इसका ये है एज ए इन्वर्स ट्रांसड्यूसर भी हम एज ए इन क्रिस्टल्स को या पीजोइलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर को एज ए इन्वर्स ट्रांसड्यूसर भी हम यूज़ कर सकते हैं। इन्वर्स ट्रांसड्यूसर मतलब कि जैसे कि हम इसको क्या दे रहे हैं, फोर्स दे रहे हैं, अगर हम इसको फोर्स दे रहे हैं तो हम हमारे पास क्या जनरेट हो रहा है, चार्ज, चार्ज या फिर इसको अपन बोल सकते हैं वोल्टेज, है ना। तो ये हो गया हमारा ट्रांसड्यूसर का एक्ट कि भाई हम फोर्स है जो कि हमारी फिजिकल क्वांटिटी है और उसके बदले में हमको ये क्या दे रहा है, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी यानी कि चार्ज या फिर वोल्टेज दे रहा है। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल ट्रांसड्यूसर। अब इसकी एक और प्रॉपर्टी है कि अगर अपन इसको वोल्टेज दे, अगर अपन इसको एक्सटर्नल वोल्टेज दे, तो इसके बदले में ये हमको मैकेनिकल क्वांटिटी जनरेट करेगा। अगर हम चार्ज दे, चार्ज या हम एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करें, तो उसके बदले हमको ये फोर्स, फोर्स या फिर हम इसको वाइब्रेशंस भी बोल सकते हैं, वाइब्रेशंस जनरेट करता है, वाइब्रेशंस। तो इस तरीके से ये एज ए इन्वर्स ट्रांसड्यूसर भी यूज कर सकते हैं हम इसको, जब हम इसको वाइब्रेशंस हमें कहीं मेजर करने होते हैं तब हम इसका यूज करते हैं। तो इसके कई जगह इसके एप्लीकेशंस हैं, इंडस्ट्रीज में ये बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है, फ्रिक्वेंसी मेजरमेंट के लिए हम बहुत ज़्यादा इसको यूज करते हैं पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल का, और स्पीड मेजरमेंट करने के लिए, वाइब्रेशन मेजरमेंट करने के लिए हम इसका पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल का यूज करते हैं।